आओ ये सब भी उतार रहे हैं बैलून्स वगैरह, भैया स्पेशली बोल के गए थे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट व्लॉग। तो टाइम हो रहा है सुबह के 7:45 एंड मैं वैसे तो हो गया आधा घंटा आराम से हो गया मैं उठे हुए, क्योंकि मैक्स परेशान कर रहा था बार बार। तो मैं सब बार बार कोशिश कर रहा कि भाई सो जा दोबारा, थोड़ी देर में चलेंगे। लेकिन फिर मैक्स की जिद के आगे मैं हार गया। मैं फाइनली इसे ले आया घुमाने। वेदर तो बहुत ही अच्छा है, बहुत सही हवा चल रही है इस टाइम। तो यार इस वेदर से ना लद्दाख की याद आ गई, मतलब कि उस सेंस में कि काश उस टाइम जब मैं लद्दाख गया था तो वेदर अच्छा होता, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहा। जब से वापस आया हूँ लद्दाख से, मैं जिससे भी बात करी है लद्दाख के बारे में और बताया कि इतनी गर्मी थी, वो खुद इतना सरप्राइज थे कि यार ऐसा कैसे हो गया कि लद्दाख तो माना जाता है ठंड के लिए, तो वहाँ गर्मी कैसे हो गई। तो मैंने कहा कि अब मैं क्या ही बोलूँगा इस बारे में, तो आप खुद जाओ एक्सपीरियंस करो, मुझे बताओ कि कैसा रहा इस टाइम लद्दाख जाना। तो बस इसको घुमा के ऊपर जा रहा हूँ मैं, फिर देखते हैं क्या प्लान है। ये मैकोर में लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, है ना मैकू? मैकू हवा कितनी अच्छी चल रही है। तो टाइम हो रहा है सुबह के 8:15 एंड मैं जल्दी तो उठ ही गया था, तो मैंने कहा यार अब ब्रेकफास्ट ले आता हूँ सबके लिए। तो अब मैं जा रहा हूँ सेक्टर 6 रोहिणी। तो अभी जो 3 दिन पहले ही खाई थी पूड़ी, तो मैंने कहा वहीं ले आता हूँ, वो सब बड़े खुश होकर खाते हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ सेक्टर 6, तो पूड़ी लेने जा रहा हूँ मैं। जस्ट अभी मैंने बात करी कि वेदर अच्छा हो रहा है और आपको दिख ही रहा हो धूप हो गई। हमेशा ऐसे हुआ है, जब भी सोचता हूँ ना कि यार आज वेदर अच्छा है या फिर देखता हूँ हाँ बढ़िया वेदर है, उसी टाइम 2 मिनट में धूप हो जाती है। तो बस जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट लेने। तो सब मैं के लिए पनीर लूँगा यहाँ से, फिर घर चलते हैं, फिर वेदर सही हो गया, अब 2 मिनट बाद ख़राब ना हो बस। चलो अपना काम तो हो गया, घर चलते हैं। टाइम हो दोपहर के 2:30 एंड अब मैं जा रहा हूँ बी एड सेट कराने एंड हेयर कट कराने। तो प्लान तो काफ़ी टाइम से बना रहा है कि अब जाऊँगा, बट वहीं पैर का इतना पेन था तो जा ही नहीं पाता था। तो पेन अभी भी है थोड़ा बहुत, और अगर मैं बल्कि 2 दिन पहले से कंपेरिजन करूँ तो आज ज़्यादा ही है। तो अब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, मैंने कहा था फिर से इशू ना हो जाए दोबारा इतना कि चलने लायक ना हो पाऊँ। तो मुझे उन्होंने कहा कि ऐसा कोई इशू नहीं है, कह रहे बस थोड़ा अवॉइड करो चलना, जितना भी अवॉइड कर सकते हो करो। एंड मैंने पूछा एक्सरे करवा लूँ, क्योंकि मुझे कई लोगों ने सजेस्ट किया एक्सरे कराने के लिए, तो एक्सरे भी उन्होंने मना कर दिया कि अभी कोई खास नीड नहीं है, आप बस रेस्ट दो पैर को जितना दे सकते हो एंड जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो चलना। तो मैंने कहा ठीक है, बस जा ही रहा हूँ हेयर कट कराने, तो अब ये ना हो कुछ दोबारा सीन ऐसा ना हो जाए तो पहले ही करवा लो। तो बुलेट तो ऑब्वियसली अभी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो है, और इस टाइम इसलिए जा रहा हूँ मैं क्योंकि फिर शाम को ये ना हो या इधर से उधर कहीं जाना पड़े या कुछ हो। तो चलते हैं बीएड सेट कराने एंड हेयर कट कराने। और इतने टाइम बाद यहाँ पे आना हुआ, जिम ऊपर है एंड यहाँ पे मैंने हेयर कट कराना है। बताओ जिम नहीं जा सकता लेकिन बिल्कुल भी, ऊपर जिम नीचे हेयर कट, चलो चलते हैं। तो टाइम हो गया शाम के 5:15 एंड जस्ट भी हेयर कट कराया है एंड बीयर्ड सेट कराई है। जब तो निकला हूँ बाहर, इनकी यार चेयर्स बड़ी यार रिलैक्सिंग होती है, मतलब यार कहाँ मैं आधे पौने घंटे पहले बिल्कुल ऐसा था कि यार नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही, जैसे ही हेयर कट, हर बार ऐसे होता है जैसे ही हेयर कट करा रहे हो ऐसे नींद आ जाती है, बंदा एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, भाई साहब बस सो जाओ। मैं तो पता नहीं क्या राज होता है इनकी चेयर्स में, जो इतनी नींद आती है, इतनी कंफर्टेबल होती है, बंदा उसी टाइम बस सो जाए। तो बस अब निकल रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे बेल बॉटम का पोस्टर देखा मैंने, जिसको नहीं पता थिएटर्स कब के खुल चुके हैं, तो आप कहीं भी जा सकते, आप किसी भी थिएटर में जा सकते हैं मूवी देखने, बट 50% ऑक्यूपेंसी के साथ है। तो मैं नेक्स्ट वीक जाऊंगा, इस वीक तो बेल बॉटम लगी हुई अक्षय कुमार की, तो मुझे इतना ट्रेलर इतना अच्छा नहीं लगा
एंड रिव्यूज मुझे काफ़ी लोगों से ये मिले कि स्लो है मूवी काफ़ी, और मुझे स्लो मूवीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब नेक्स्ट वीक ही जाऊँगा मैं, चेहरे रिलीज़ हो रही है इमरान हाशमी की और अमिताभ बच्चन की, तो वो तो ज़रूर जाऊँगा, बट ओनली इफ़ कि ये पैर का कोई सीन ना हो तो जाऊँगा ही जाऊँगा। वो सब यहाँ से निकल रहा हूँ मैं, फिर चलते हैं, मैक्स के लिए खाना ले लूँगा, चलते हैं घर। बुलेट, जल्द वो दिन आएगा कि मैं भी बुलेट पे आऊँगा। आओ चले एंटॉर्क पर वापस घर। तो मैं आ गया हूँ सेक्टर 13 की डीडीए मार्केट में, तो यहाँ से कुछ सामान लेना था और हम वहाँ पे लेमन भी पियेंगे। इतना टाइम हो गया लेमन पिए, यहाँ की लेमन पियेंगे फिर चलते हैं। आओ ये सब भी उतारे हैं बैलून्स वगैरह, भैया स्पेशली बोल के गए कि 2 दिन में मैक्सिमम उतार लेना वरना आपकी वॉल्स ख़राब हो जाएंगी। आओ हटाएं सारे। मैकू फाड़ने नहीं है ये। तो टाइम हो गया शाम के 6:30 एंड जस्ट भी वापस आया सोसाइटी में। तो मैं 2 शॉप पर गया था एंड दोनों भैया ने मुझे यही बोला, क्या हुआ भैया बुलेट कहाँ गई आज? तो अब 2 साल से लगातार चला रहा हूँ, अभी 20 अगस्त को ही 2 साल हुए बुलेट को, तो 2 साल से बुलेट चला रहा हूँ। एंड स्कूटी मैंने बहुत रेयरली चलाई है, बहुत मतलब एक ऐसी एक अलग फ़न आता है बुलेट चलाने में, तो स्कूटी तो बहुत कम चलाई है। तो उन्होंने यही पूछा कि क्या हो गया बुलेट कहाँ गई, उन्होंने कहा कि बस यार अब क्या बताएं आपको, तो बस वापस आया हूँ जस्ट एंड ऊपर जा रहा हूँ, मैक्स भी वेट कर रहा हूँ। हेलो तो मैक्स को मैंने आया हुआ था मैं, टाइम हो रहा है शाम के 7:30 एंड इतना बढ़िया वेदर हो गया 1 मिनट में, इतनी बढ़िया हवा चल रही थी एंड उसके 2 मिनट बाद ही बैक टू बेसिक्स है ना मैकू। पता नहीं क्या हो जाता है मैकू दिल्ली के टेम्परेचर को, एकदम इतना बढ़िया एकदम इतना नॉर्मल। मैकू का दोस्त आया मिलने, आओ भागे मैकू, रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी, चलो। तो टाइम हो गया रात के 9:30 एंड मैं जा रहा हूँ डिनर करने, जा नहीं रहा मतलब यहीं पे ड्राइंग रूम तक जा रहा हूँ। तो यहीं से आज के ब्लॉग खत्म करते हैं, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय एंड टेक केयर।